खुशी की है, हमारे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी ने इच्छा जताई थी कि जब मैंने पार्लियामेंट में जवाब में झूझिला टनल की बात बताई थी तो उन्होंने कहा हमें ले चलो, तो आज उन्हीं के अनुरोध पर हमने पार्लियामेंट्री हमारे कमेटी का डेलीगेशन लाया। हमारे सभी सम्माननीय पार्लियामेंट के 13 मेंबर्स आज हमारे साथ इसको देखने के लिए आए हैं। आज हमारी 5 बजे मीटिंग है, हम हमारे किए हुए काम का प्रेजेंटेशन उनके सामने करेंगे। बिरला जी को अचानक फॉरेन टूर पर जाना पड़ा इसलिए वो नहीं आ पाए, पर मैं मेरे विभाग की ओर से हमारे पार्लियामेंट के सभी सम्मान्य सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इतने कठिनाई में हमारे देश के कॉन्ट्रैक्टर अधिकारी कितने कठिनाई में काम कर रहे हैं ये उनको भी देखने के लिए मिला। हमारे मिलिट्री के जवान कितने डिफ़िकल्टी में हमारे देश की सुरक्षा करते हैं और किस परिस्थिति में करते हैं इसका अनुभव हम कर रहे हैं। हम एक दिन आए तो हमें ऑक्सीजन की कमी के कारण अस्वस्थ हो रहे हैं, तो बेचारे यहाँ पूरी ज़िंदगी में इतने दिनों तक काम कर रहे हैं उनके लिए हमारे मन में बहुत गौरव है। हमारे डिफेंस फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, जम्मू कश्मीर का स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ की जनता, हमारी बहन जी यहाँ की अध्यक्ष है जिला पंचायत की, इन सब का हमको सहयोग मिला और इसी सहयोग के कारण हम यहाँ काम कर पा रहे हैं। उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ और राज्यपाल जी ने जो जो सूचना दी है उसका भी हम पालन करेंगे। सर, जब ब्रेक थ्रू हो जाएगा टनल का, जब ब्रेक थ्रू हो जाएगा, कहा जा रहा है कि जो रफ टनल पे भी आर्मी को एलो किया जाएगा जब जरूरत पड़ेगी इस टनल के जरिए, ना कि डेडलाइन का वेट किया जाएगा। सर, ये इमरजेंसी में क्या करना उस समय होगा? सर, इज इट ट्रू दैट यू विल अलाउ देम? सर, देश के हित में और इमरजेंसी जब आती है तो हर समय पॉजिटिविटी के साथ वे आउट निकाला जाता है। अभी ऐसी स्थिति आई नहीं है, आने की संभावना भी कम है, आएगी तो जरूर इसमें हम लोग हमारे डिफेंस फोर्सेस जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। अभी जैसे हम इसकी प्रोग्रेस की बात करें झूझिला टनल प्रोजेक्ट की, जैसे हमारे पास ये टोटल मिला के 31 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है जिसमें 2 टनलें, 3 मेजर ब्रिज और 1 टनल मेजर टनल है जो 13.145 किलोमीटर है, जिसमें अभी तक हमने 5.8 किलोमीटर टनलिंग जो है कंप्लीट करी हुई है और प्रोग्रेस जो है डे टू डे इंक्रीज होती जा रही है और हम कोशिश करेंगे इस टनल को 2026 तक जो हमारा डेडलाइन है उससे पहले नेशन को सौंपने का। कुछ दिनों से मीडिया पे बहुत जोरों से छा रहा है कि आज इनॉग्रेशन है। सर देखिए, अभी टनल कंप्लीट हुआ नहीं, इनॉग्रेशन कैसे होगा? तो अभी जस्ट 5.8 किलोमीटर टनल कंप्लीट हुई है, 7.5 भी बाकी है, तो जैसे 2026 दिसंबर हमारा टाइमलाइन है तो विल ट्राई कि उससे पहले हम इसका एक्सकर्शन कंप्लीट करें। ये टोटल झूझिला टनल जो है इसकी टोटल लेंथ 13.2 किलोमीटर है, इसके हम दो तरफ से काम कर रहे हैं, जो जहां हम खड़े हुए हैं ये बालटाल है जिसको हम बेस्ट पोर्टल बोलते हैं, दूसरी तरफ इसका जो द्रास की तरफ हमारा पोर्शन है मीना मार्ग जिसको हम ईस्ट पोर्टल बोलते हैं। दोनों तरफ से हम हेडिंग बेंचिंग दो टाइप से इसकी एक्सकवेशन कर रहे हैं और हम इस टनल को NATM मेथड से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इधर से लगभग हम 3 किलोमीटर अंदर तक एक्सकवेशन हेडिंग कर चुके हैं और दूसरे एंड से भी हम 3 किलोमीटर हेडिंग एक्सकवेशन कर चुके हैं और दोनों तरफ से बेंचिंग एक्सकवेशन भी लगभग 2 किलोमीटर हो चुकी है और ये सिंगल ट्यूब वाई डायरेक्शनल टनल है। आज जो यहाँ पर गडकरे सर आ रहे हैं किस मकसद से आ रहे हैं? वो काम की प्रोग्रेस देखने के लिए आ रहे हैं गडकरी साहब इधर। तो इस टनल की इम्पोर्टेंस क्या है? इस टनल की इम्पोर्टेंस हमारे जो लद्दाख रीजन है ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी है उनके लिए बहुत है, वो पूरे 12 महीने कश्मीर से जुड़ेंगे, कश्मीर से नहीं पूरे हिंदुस्तान से जुड़ जाएंगे और उसके बाद फॉर मिलिट्री पर्पस ये काफ़ी अहम है।